12 जड़ी बूटियों से बना रेक्स ब्रेन टॉनिक खाएं। खुद भी खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। स्मार्ट लोगों की चॉइस, रेक्स ब्रेन टॉनिक। हमारे साथ तारिक सिद्दीकी साहब हैं, जो AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पर प्रेस क्लब में एक सेमिनार था कि क्या मुस्लिम लीडरशिप हिंदुस्तान में नाकाम हो गई है, क्योंकि जिस तरह के हालात पूरे देश में देखने में आ रहे हैं और जिस तरह से मुसलमान काफ़ी परेशान हैं और मुस्लिम लीडरशिप से मुसलमानों का भरोसा उठता जा रहा है, ख़ासतौर से ऐसे हालात में मुसलमान लीडर तलाश कर रहा है। क्या कहेंगे तारिक सिद्दीकी साहब, जिस तरह के हालात, ख़ासतौर से अगर इस नफरत भले माहौल की बात करते हैं, तो मुसलमानों की तरफ, लीडर की तरफ मुसलमान देख रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जो उनके ऊपर अपना हाथ रखे और जो उनके मसाइल हैं उनको हल करे। देखिए, ये दोनों तरफ से मसला है, आवाम की तरफ और लीडर की तरफ से दोनों तरफ मसला है। चैलेंजेस बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर मुसलमान आगे बढ़ता है और अगर उसको सेकुलर जमात आगे बढ़ाती है या फंडामेंटलिस्ट बढ़ाती है, फौरन ये हो जाता है, उसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है मुस्लिम सियासतदानों के लिए, अपने आप को संभाल कर रखना कि आप अपने आवाम की तर्जुमानी भी कर पाएँ और साथ साथ जो भी हुक्मरान हैं, कोई भी जमात है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जमात से जुड़ करके ही आपको इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में बेनिफिट मिला। बहुत कम आप मिसालें देखेंगे कि इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट लोग जीतते हैं सभी जगह, और जीत भी गए तो बहुत कुछ वो इम्पैक्ट नहीं ला पाते हैं। तो ये बड़ा अलमिया है, उसके अंदर रह कर के काम करना है आपको। मुझे ये लगता है कि मुसलमानों को एक लार्जर रोल की तरफ देखना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ड्रा करते हैं अपने आप को इस्लाम से, और इस्लाम में वमा अरसलनाका इल्ला लिरहमतिल आलमीन है, कि जहाँ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी रहमत के लिए आलम बना करके भेजा गया है। हमें अपना वो रोल समझना चाहिए, हमें सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए जिस वतन में रह रहे हैं। बरादरान वतन, मुझे आज भी लगता है इतनी सालों के जिसको हम नफरत की सियासत कहें, 18% से ऊपर आज तक नहीं बढ़ पाई है। आज भी 82% यहाँ का जो गैर मुस्लिम है वो सेकुलर है, जज्बाती तौर पे इधर से उधर हो जाता है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसकी दिलशिकनी नहीं होना चाहिए। सो ये 82% 90% हो, हमारी कोई ऐसी हरकत ना हो कि ये 82% घट जाए, ये हमारा एक रोल बड़ा होना चाहिए। आपने इस तरह से पार्टी लाइन की बात की, ये बात हमेशा आती है कि जब भी कोई मसला आता है, ख़ासतौर से मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं, तो जो मुस्लिम लीडर हैं वो मुसलमानों की बात ना करके पार्टी लाइन पर काम करते हैं, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे तो वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। या तो ये मुस्लिम्स आवाम को भी ये सोचना है कि क्या एक मिसाल आप मुझे हिंदुस्तान में दीजिए कि मुस्लिम्स के मसाइल पर काम करने वाला एक ईमानदार मुस्लिम लीडर अगर पैदा हो, और बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। जब वो चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ने गए तो उनको 1500-2000 का लिफाफा, मैं बहुत बिजनौर में भी 2014 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, 56% मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बड़ी मुस्लिम लीडरशिप जो राज्यसभा के मेंबर रहे, उन्हें 6 लाख वोट मिलना चाहिए था, 2.5 लाख 3 लाख मिल जाता, 1500 वोट मिला है। तो लीडर भी डिमोरलाइज्ड हो जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो किसी ना किसी जमात से जुड़ना जाके उसकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए मजबूरी हो जाती है। तो उसमें किसको आप ज़िम्मेदार मानते हैं, ख़ासतौर से अगर बात करते हैं जो बड़ी बड़ी तंजीमें जो मुसलमानों के लिए काम कर रही हैं उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन जब देखने में यह आता है कि कुछ मसाइल में वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आते हैं, ख़ासतौर से आज के हालात में अगर हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, बड़ी बड़ी जमातें डरी हुई हैं और वो कोई भी बात सामने खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ भी पूरा ये मामला उठाए। देखिए, मुझे लगता है बात तो बिल्कुल खुल करके करनी चाहिए, अगर आपका दिल सच्चा है तो बिल्कुल खुल करके होनी चाहिए। गलती हम लोगों से ये हो रही है मुसलमानों से कि हम बहुत सारे हम जब इत्तेहाद की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसी पूरी दुनिया और पूरी कम्युनिटी हो जाए, वो नहीं हो सकती है। होना ये चाहिए कि हम मसलक के एतबार से, ज़ात पात के एतबार से, जितने भी एतबार से बटे हों, हमें कॉमन चीज़ें दो लोगों के बीच में, दो अंजुमन के बीच में ढूंढनी चाहिए, उस कॉमन चीज़ों में इकट्ठा होकर के कम्युनिटी लीडरशिप करनी चाहिए। हमें एजुकेशन पर काम करना है, हमें इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट पे काम करना है, सोशल एम्पावरमेंट पे काम करना है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे काम करना है साथ साथ। तो मुझे लगता है कि ज़ात पात मसलक पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ करके मुस्लिम क़यादत को हिंदुस्तान में एक लॉन्ग ड्रिवन प्रोग्राम बनाना चाहिए और उस प्रोग्राम में ख़ुद को भी काम करना चाहिए, और हमारे जो और जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको भी थोड़ा सा लार्ज होकर के ले करके चलना पड़ेगा कि जो आपके लिए काम कर रहा है
उसके सिर्फ नेगेटिव्स अगर आपने कहीं से उड़ती उड़ाती सुन ली और उसको आप पहचानना शुरू कर देते हैं और उसकी छवि ख़राब करते हैं, बहुत मुश्किल से आप देखेंगे कि कौम जवानी नहीं होती है। 50-60 साल तक जो लोग स्ट्रगल करके कहीं मुसलमानों में पहुंचते हैं उनको हम बच्चा समझते हैं और 60 के बाद बुढ़ा समझते हैं। जब कौम जवान नहीं होगी, उसकी क़्यादत जवान नहीं होगी, तो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? तो मुझे लगता है वक्त रहते हम लोगों को अगर कोई उभर रहा है तो उसको सपोर्ट करके और ऊपर ले जाना चाहिए। ये बात कई बार आती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, इसके अलावा बात आती है कि अब हमें ताबेदारी नहीं करनी बल्कि हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए। इस तरह की चीज़ें कई जो NGO हैं वो काम कर रही हैं इस पर, लेकिन जब देखने में ये आता है कि जब बड़ी बड़ी जमातें जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की काम कर रही हैं, कभी ये देखने में आता है कि शियाओं के ख़िलाफ़ एक बड़े मदरसे के ज़रिए से फतवा दिया जाता है कि उनके यहाँ अफ्तार करना, उनके यहाँ खाना जायज़ नहीं है। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, देवबंदी और बरेलवियों का मामला सामने आता है, तो किस तरह से इन सब चीज़ों के बीच में किसी एक प्रोग्राम पर लोग बैठ सकते हैं, एक प्रोग्राम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर किसी पार्टी से डील हो सकती है, क्या ये मुमकिन है? देखिए, बहुत मुमकिन है। मैंने जैसे आपको बताया, हम फंस गए इस चक्कर में इंफरादी एतबार से और अंजुमन के एतबार से हम अपनी सुप्रीमेसी के टर्म्स पे इत्तेहाद चाहते हैं। मैंने एक बात कही, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ 2-3 बड़ी चीज़ें जो हालात हाजरा से कौम को ऊपर उठा सकती है, तमाम जमात जिनकी आपने जिक्र किया पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के, उसके बीच में कोई एक या दो चीज़ का में भी इश्तेहाद की ज़रूरत है। पूरी कौम इश्तेहाद से दूर है, इश्तेहाद की ज़रूरत है, और कोई एक दो मुद्दे पे इकट्ठा बैठ सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सारे 100 मुद्दे एक साथ ले करके और ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अलाइन हो जाएं, नहीं अलाइन हो सकते, ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है, ये हमारी कमज़ोरी है। जिस तरह से अब इलेक्शन मोड में पूरा कंट्री आ चुका है, 2019 करीब है, तो क्या लगता है कि कम वक्त है, ये सब पॉसिबल है जो बात की जा रही है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि एक 1976 का एक अखबार हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मुसलमानों के मसाइल और उनके हल। 2016 में मैंने तकरीर सुनी, वहाँ भी यही था, मुसलमानों के मसाइल उसके हल। तो हमें 19, 24, 27, 32 का प्लान नहीं करना चाहिए, हमें ये प्लान करना चाहिए हमारे फ़र्ज़ हैं क्या, और उस फ़र्ज़ का हो सकता है रिज़ल्ट हमें मिल जाए, हो सकता है हमारी अगली जनरेशन को मिल जाए। उस लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर आपको कौम की क़यादत करनी है, मुल्क की क़यादत करनी है, बड़े नज़रिए से काम करना पड़ेगा। शुक्रिया। ये थे तारिक सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे थे कि किस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम बात कर सकते हैं पार्टी से, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात करें या जो मुसलमानों के जो बेसिक मसाइल हैं उन पर हम बैठकर बात कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अभी उनका हल निकलकर सामने आए या उसका फ़ायदा सामने आए, हो सकता है हमारे बच्चे या हमारे परपोते जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ, लेकिन उस पर हम लोगों को एक होना होगा और इस तरह से प्लानिंग करनी होगी।